मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास थर्ड हिंदी सब्जेक्ट। आज हम प्रकृति का संदेश अध्याय उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रश्न के उत्तर हल करेंगे। चलो चलते हैं एक नजर एक वीडियो प्रकृति के संदेश कविता पर। मत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उस प्रश्न के उत्तर देना है। अच्छा बच्चों बताइए, पर्वत हमें क्या सिखाता है? पर्वत हमें क्या सिखाता है बताओ? जी हाँ, पर्वत हमें शीश उठाकर ऊंचा बनने को कहता है। क्या कहता है? कि शीश उठाकर ऊंचा बनो, महान बनो, अच्छे अच्छे कर्म करो और सफलता हासिल कर एक दिन महान बनो। अच्छा बच्चों ये बताओ कि पृथ्वी धैर्यवान है, बताओ आप? यस, वेरी गुड, पृथ्वी धैर्यवान है, वो हमें धैर्य रहने का संदेश देती है। अच्छा वो धैर्यवान कैसे है बताओ? जी हाँ, वो धैर्यवान ऐसे है कि पृथ्वी मतलब धरती माता इतना सारा बोझ अपने सिर पे लेके चलती है, इतने सारे इंसान इतने सारे जानवर पूरी पृथ्वी इतना सारा बोझ अपने सिर पर रखती है, फिर भी वह धीरज नहीं खोती, वह धैर्य रखती है और हम सबका अच्छा करती है। अच्छा बच्चों बताओ सागर हमें क्या कहता है, क्या सिखाता है बोलो? जी हाँ, सागर हमें मन में गहराई लाने को कहता है। सागर क्या है? समुद्र। कितना गहरा है? बहुत गहरा है ना, अंदर से कि बहुत गहरा है। तो सागर कहता है आप भी मेरी तरह अंदर से गहरे बनो, मन में गहराई लाओ, सबके लिए अपने दिल में आदर रखो, रेस्पेक्ट रखो, प्यार रखो, सम्मान रखो और सबका ध्यान रखो, मान रखो। तो सागर क्या कहता है? अपने मन में मेरी तरह गहराई लाओ और अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बराबर का आदर रखो और सबका मान रखो। अच्छा बच्चों बताओ इस कविता में तरंगे हमें क्या कहती है? तरंगे मतलब लहरें। क्या कहती है? तरंगे मतलब लहरें। लहरें कहाँ उठती है? समुद्र में। वेरी गुड, समुद्र में लहरें उठती, तो लहरें कैसे चलती है? कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है ना? तो वो लहरें हमें क्या संदेश देती है, कौन बताएगा? ओके, मैं बताती हूँ। वो लहरें हमें संदेश देती है कितना भी तुम गिरो और उठो, कि अगर आप उठते हो और वापस गिर जाते हो तो रुकना नहीं है, वापस उठकर आगे चलो। क्या कहता है, क्या कहती है तरंगे लहरें, कि तुम भी मेरी तरह ऊपर उठो और अगर गिर जाते हो तो रुको नहीं, वापस निरंतर ऊपर उठते जाओ, निरंतर चलते जाओ, उठ उठ गिर कर तरल पत्थर। और ये तरंगे हमें क्या कहती है? ये तरंगे हमें कहती है भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अच्छा बच्चों मृदुल मतलब क्या होता है? कोमल, सरल, कोमल, मुलायम, और उमंग मतलब उत्साह। तो वो तरंगे क्या होती है, समुद्र से आती तो पहले बहुत ऊंची होती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तो वो तरंगे क्या है? अपने आप में उछल कूद करती है, खेलती है, खुश रहती है। एक बड़ी तरंग और धीरे धीरे तरंग छोटी होते होते खत्म हो जाती है, लेकिन उसको उसका दुख नहीं होता। वो कहती है कि अपने मन में उत्साह भरो, उमंग भरो, मृदुल उमंग मतलब कोमल मुलायम उत्साह, वो उत्साह भरो और आगे निरंतर बढ़ते रहो, कभी उदास नहीं हो, ये तरंगे कहती है। तो उत्साह क्या होता है? उत्साह मतलब खुशी। हर छोटी छोटी बात की हमें खुशी होनी चाहिए, कोई चीज हमें मिल जाए
तो भी खुशी, और नहीं मिले तो उसका दुख हमें नहीं करना चाहिए। तो तरंगे हमें हमारे मन में मृदुल उत्साह, मृदुल मीन्स कोमल, उमंग उत्साह भरने के लिए कहती हैं। अच्छा बच्चों, आप ये बताओ कि जो नभ है मतलब आकाश है वो कितना दूर तक फैला हुआ है, क्या कोई बता सकता है? नहीं, कोई नहीं बता सकता। आकाश मतलब नभ बहुत बड़ा, बहुत विशाल फैला हुआ है। तो ये नभ हमें क्या संदेश देता है? ये नभ, ये आकाश हमें कहता है कि तुम भी मेरी तरह खुद को इतना फैलाओ कि सारे संसार को ढक लो। समझ आया? अच्छा बच्चों, इस कविता में पृथ्वी धैर्य रखने का संदेश देती है, सागर मन में गहराई लाने का संदेश देती है, पर्वत खुद को ऊंचा बनाने का संदेश देते हैं, आकाश खुद को फैलाने का संदेश देता है, तरंगे मन में उमंग और उत्साह रखने का संदेश देती है। तो ये सब प्रकृति के जो छोटे छोटे से प्रकृति के जो पार्ट है वो हमें कोई ना कोई अलग अलग संदेश देता है। तो इसी तरीके से बच्चों, हमारे घर में भी हमारे बड़े लोग होते हैं, हमारे परिवार में बड़े लोग होते हैं, तो उनसे भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो हमें भी उनसे अच्छा सीखना चाहिए, जो उनके अंदर अच्छाई हो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। जैसे आपके दादाजी है वो बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको उनसे क्या सीखना चाहिए? कड़ी मेहनत करना। दादाजी क्या संदेश देते हैं? कड़ी मेहनत करना। पापा है वो भी बहुत काम करते हैं, तो पापा की तरह भी हमें क्या सीखना चाहिए? बहुत काम करना, मेहनत करना, थकना नहीं। मम्मी भी दिन रात मेहनत करती है और हमेशा स्माइल रखती है, तो मम्मी से भी यही सीखना चाहिए कि हमें खूब पढ़ाई करनी है, खूब खेलकूद भी करना है, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना है। तो सब अपने जिस तरह अपने परिवार के सदस्य अपना अलग अलग संदेश देते हैं, वैसे ही प्रकृति हमें कई संदेश देती है। तो हमें भी प्रकृति से जो संदेश मिलता है उसको मानना चाहिए, और हमारे परिवार से जो हमें संदेश मिलता है हमें उसको भी मानना चाहिए। इससे हमारे अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। दूसरे अध्याय में, दूसरे वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ प्रश्न के उत्तर करेंगे। धन्यवाद।